परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 211,000, संरक्षक 111,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्ष रियान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन गुड़गांव। जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें बसती रसधार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं। मत कहो से हरगिज बिना जिसमें बसती झंझकार नहीं, और वह मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसमें पर का उपकार नहीं। हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। हमने पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में कहीं राम की कहानी पढ़ी, कहीं भीष्म पितामह की कहानी पढ़ी, श्रेणिक चरित्र में कभी हमने श्रेणिक की कहानी पढ़ी, कभी हमने महावीर पुराण में महावीर भगवान की कहानी पढ़ी, पारस पुराण में पारसनाथ की कहानी पढ़ी, चारुदत्त में चारुदत्त की कहानी पढ़ी, धन्य कुमार में धन्य कुमार की कहानी पढ़ी, और अनेकों चरित्र जो भी प्रथमान युग हैं उनमें हमने अपनी किसी व्यक्ति की कहानी पढ़ी, लेकिन छैडाला ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति की नहीं, स्वयं विशेष की कहानी, स्वयं की कहानी, भूत की, भविष्य की, हम क्या हो सकते हैं और क्या क्या थे, अपनी कहानी, अपने दुखों की कहानी, अपनी करुण कहानी है कि कभी कभी हम इस स्थावर पर्यायों में इतने कष्ट पाए, जिनको कि कहने को करोड़ों जिब्याएं नहीं कह सकती हैं, क्योंकि आपको पता प्रतिकार की शक्ति हो तो आप प्रतिकार करते करते आपके अंदर उत्साह होता है, मरने या मारने के जज्बा होता है,
लेकिन जब एक तरफा हो आप मार नहीं सकते हैं, आपको कोई मार रहा हो तो क्या दुख होता है, शोक होता है, संताप होता है, वो पराकाष्ठा पर होता है। कहते भी हैं कि निर्बल को कभी मत सताना, उसकी बहुत मजबूत हाय होती तुम्हें ले डूबेगी। इसी प्रकार से तिर्यंचों में भी कैसे कैसे दुख सहकर आचार्यों ने तो ये तक कह दिया कि दुखों का कारण कोई नहीं था। हम यहाँ मनुष्य गति में कोई दिक्कत हो जाए हमें तो कहते फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, धोखा किया, बेईमानी की, गिरा दिया, रुकावट ला दी। लेकिन आचार्य कहते तुम्हारे कर्म थे जो तुमने किए हैं, हमने छल कपट किया तो तिर्यंच गति पाई, भेदभाव किया, छल कपट किया, अभिमान स्वाभिमान के चक्कर में अभिमान को पोषण किया, उसके कारण हमें ऐसी दुर्गतियों में एक दो दिन नहीं सागरों पर्यंत अनंत काल तक ऐसे दुख सहने पड़े। एक इंद्रिय के दुख सहे और कभी कभी निर्बल हुआ तो बलवानों के द्वारा खाया गया। और कहते कभी कभी ऐसे दुख भी सहे हैं जो कि अपनी मौत भी तुरंत हो जाती थी, पैदा होते ही मर जाते थे, किसी का ख्याल तक भी नहीं आता था कि हम मर भी गए, किसी को ख्याल नहीं आता था कि हम मर गए हैं। कहते कफन भी यदि मिल सके तो धन्य होगा। तो कफन भी हर लोगों को नहीं मिलता है, अभी कोरोना में कितने लोगों को कफन नहीं मिला। अपनों की जो लोग दाद देते थे, अपने पर अभिमान करते थे, उनको देखा आपने, कोरोना ने अपने और भेद विज्ञान करके दिखा दिया कि अपने भी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। एक बीमारी ने सारा धर्म कर्म से रोक लगा दी, सारे प्यार मोहब्बत के रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि उसने बता दिया कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, घर वाले अस्पताल तक तुम्हें भर्ती कर देंगे, उसके बाद तड़पना तुम्हें पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी अपनी कहानी है, यदि हमने जिनवाणी की बात मानी होती तो मैं रोना नहीं पड़ता। न मानी जिनवाणी की बतियाँ, रोए रोए भींग गई अखियाँ, न मानी जिनवाणी की बतियाँ। आज तक हमने जिनवाणी के शब्दों को हृदयंगत किया होता, हृदयंगम किया होता तो वास्तव में आज हमारा इतिहास अलग होता। आज हम दुर्गतियों में नहीं होते, आज हम सदगति में होते, शिव गति में होते, शिव स्थान में होते, श्वासत सुख को पाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हमारा झूठा अभिमान है कि हम कुछ करते हैं। एक बुढ़िया के पास एक मुर्गा था और वो सबसे कहती थी मेरा मुर्गा है तो सवेरा होता है, मेरा मुर्गा जिस दिन चला जाएगा उस दिन रात ही रहेगी, क्योंकि यही तो बोलता है सुबह सुबह तब सुबह होती है। अब लोग परेशान आ गए, एक दिन किसी बुद्धिमान ने कह दिया, क्योंकि वो जानता था मुर्गा से सवेरा नहीं होता, सवेरा हो ना हो तो मुर्गा बोलता है। उसने भी कह दिया तू ले जा, ज़्यादा चिल्लाती है रोज़ रोज़ सुबह सुबह दिमाग खराब करती है, तू ले जा, होगा कि नहीं देख लूँगा। वो कहने लगी तुम लोग अंधेरे में मरोगे, मैं तो ले जाती हूँ लेकिन तुम लोग मरोगे अंधेरे में। और कहते हैं वो चली गई। जाने के बाद उसे तो बड़ा अभिमान था कि मेरा मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा नहीं होगा, और यहाँ तो रोज़ की तरह सवेरा हुआ अच्छे से। और वो दूसरे गांव में गई, वहाँ कहने लगी कि आज आई हूँ तो तुम्हारे यहाँ भी सवेरा हुआ है, मेरा मुर्गा आया है, तो उस गांव में तो देखो अंधेरा होगा, लेकिन आपको पता होगा कोई अंधेरा किसी के जाने नहीं जाने से होता है। आप भी कभी कभी धर्म की बात कहो तो आप क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता है, समय तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं मिलता है, लेकिन जब समय आएगा, तुम्हारा जाने का समय आएगा तो तुम्हें एक समय भी नहीं दे पाएगा, तुम एक एक समय के लिए एक एक सांसों के लिए तड़प जाओगे। और आचार्य कहते हैं यदि तुमने धर्म की बात नहीं मानी तो सैनी होकर भी असैनी हो, क्योंकि सैनी किसे कहते हैं, जिसमें धर्म कर्म समझने की शक्ति हो, जिसमें हे उपाध्याय की शक्ति हो, जो शिक्षाओं को ग्रहण करता हो, आत्मसात करता हो, उसे कहा है संगी। लेकिन हमने संगी होकर भी असंगी जैसे काम किए, बिना मन के काम किए, बिना बुद्धि के काम किए, इतनी मेहनत करते हैं किस लिए करते हो, करने के बाद भी तो खाली हाथ जाते हो। तो दौलत राम जी कहते हैं कबहू आप भयो बलगे
सबलन करी खायो अति दिन छेदन भेदन भूख प्यास भार बगिन तपुत्रास बदबंदन आदि की दुख गने कोटि जीवित जात न बने। हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कबहू आप भयो बलहीन, बलहीन होता है तो बलवान लोग तुम्हें मार मार के खा लेते हैं। कहना आसान है, सोचो मैं पैर में चोट लगती है तो हम तड़प जाते हैं, और जब चीटी मकोड़े अतिरुला आदि जैसों को आप क्या करते हैं ऊपर से फेंक देते हैं, तीन मंजिल से फेंक देते हैं, पानी में डाल देते हैं, बहा देते हैं, कितनी तकलीफ से वो मरते हैं। आपने तो कह दिया चिट्ठी फेंक दी, नीचे देखो चल रही है, वो अपाहिज हो गई, लूली लंगड़ी हो गई, उसको सच पूछो चलने में दिक्कत हो रही है, आपको होगी तब कैसा होगा? आपको जरा सी चोट लगती है तो पलस्तर बंधवाने चले जाते, उन्हें कौन पलस्तर बांधेगा? और आचार्य कहते हैं कबहू आप भयो बलहीन, बलहीन हुआ तो आपने देखा होगा मक्खी कहीं बैठी हो, मकड़ी आकर कैसे पकड़ लेती है, और चींटी आदि देखिए जीवों को पकड़ पकड़ के खा लेती हैं। छोटे छोटे जीव इस बरसात में होते हैं, उन्हें किस तरह से जिंदा को पकड़ लेती हैं, वो तड़फ तड़फ के मरते हैं, और धोखे से पकड़ते हैं। बगुला देखो ऐसे बैठा रहेगा बिल्कुल उजला होकर जैसे कि ध्यान मग्न है, लेकिन जैसे ही मछली आती है कट से पकड़ लेता है। सोचो कितनी वेदना होती होगी। आज हमें मौत की सोच कर रूह कांप जाती है, उन बेचारे जानवरों का क्या होता होगा? लेकिन ये पर्याय हमारी और आपकी हैं, किसी और की नहीं है। और बिल्ली देखो चूहे को कितना प्रयास करता है, भाग भी जाएगा फिसल जाएगा, लेकिन फिर भी वो पकड़ लेगी। और देखो उद्देश्य में अंतर होता है, बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है तो बचने नहीं देती है, और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो मरने नहीं देती है, क्योंकि दुनिया का कोई पता नहीं कब कौन बाघ देखो धोखे से पकड़ता है। और इसी प्रकार से सारे जानवर एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं, अधिकांश जीव दुनिया में एक दूसरे को मार कर खाते हैं, और ऐसी पर्याय हमने खुद भी प्राप्त की हैं। और तो लोग व्यापार के लिए कितना बोझा लाद देते हैं, उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कान काट देते हैं, और उन्हें पहचान बनाने के लिए निशान जला देते हैं। आपने देखा तपता हुआ लोहा एकदम आग में गर्म करके उनकी धुआं तक निकलता है, और उन्हें निशान बनाने के लिए एक जगह नहीं चार चार जगह दाग देते हो। जब तुम्हें जलाया जाएगा तब कैसा लगेगा? तुम्हें जब कैंसर की पीड़ा होगी और तुम्हारी सिकाई होगी तो तुम्हें क्या होता है? आपको पता है कि जब सिकाई होती है तो आठ आठ दिन लोग तड़पते हैं, कहते हैं इतनी वेदना होती है। आज ये सब बीमारियों का प्रकोप क्यों हो गया? क्योंकि हमने जीवों की तरफ से करुणा से हमारा बिल्कुल ध्यान हट गया, हम करुणा करना ही नहीं चाहते किसी जीव पर भी। और कहते हैं कबहू आप भयो बलहीन, बलहीन हुआ तो सबलों के द्वारा खाया गया, और सबल हुआ तो मार मार कर छोटे जीवों को खाया। और छेदना और भेदना, छेदने में तो आपको पता है नाक में नकील डाल देते हैं, कितनी वेदना होती है। आपकी नाक में जरा सी कोई चीज़ अटक जाए तो आपको लगता है कब निकल जाए, और उनके नाक के नथुनों में रस्सी डाल देते ताकि वो भाग नहीं सकें। कितनी वो किससे अपनी वेदना कहें, पूरे जीवन अब डली रहेगी। एक बार डली है तो पैर बांध देते हो, लोग कुत्ते की पूंछ में आग लगा देते हैं, कितनी मूर्खता है। अरे ये तुम्हारी खुशी है, वो तड़पता है, वो तड़प तड़प के मर जाता है, आप उसमें बम बांध देते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं अखबारों में न्यूज आती है कि हाथनी के मुख में पटाखा रख दिया। सोचो जानवर से बदतर हो गया इंसान, उसे चाहे तो उसके लिए खाने को कुछ रख सकता है, लेकिन खाने की चीज़ में भी ये चीज़ें रख देता है। और मूक प्राणी तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये वो दिन दूर नहीं जब तुम भी इसी तरह से तड़प तड़प के मरोगे,
और आचार्य कहते हैं कोई भी बलवान हो ये सोचता है कि हमें कौन मारेगा, लेकिन बलवान भी एक दिन मारा जाता है और बहुत तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तो हमने छेद किया, भेदन यानी मार दिया। आप सोचिए जब कत्ल खाने में जानवर जाते हैं उसके पहले वो चढ़ना नहीं चाहते ट्रकों में, उन्हें कितने हंटर कितने डंडे मारे जाते हैं तब भी उन्हें पता है कि हमें मौत के लिए ले जा रहे हैं। हर प्राणी अपनी जान के लिए भरसक प्रयास करता है बचाने का, लेकिन बच नहीं पाता है। इस काले सिर वाले से, इस आदमी से कुदरत भी डरने लगी है, प्रकृति भी कांपने लगी है। इसने हर प्राणी को बहुत दुष्टता से मारने की सौगंध खा रखी है और एक एक जानवर पहले तो मार मार कर चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ते हैं तो क्रेनों से उठा उठा कर रख देते हैं, और उसके बाद भी जब ये मारने को ले जाते हैं तब पांच पांच दस दस कसाई उनके पैर बांध देते हैं। और क्या सब ये सोचते हैं वो बैकुंठ चले जाएंगे, वो जन्नत चले जाएंगे। मैं कहती हूँ चलो जो भी करना हो कम से कम करुणा अपने अंदर रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थी श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन, श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन, सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सब परिवार गोहाना, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल, श्रीमती नीलू, रुशील, निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300-74-1008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 GAV 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।